भैया आज मुशायरों की भीड़ में मुठलों का ऐसा मेला लगा है जिसमें हर कोई बंदा हाथ से लेकर चूचियों तक सब सेक के जाता है, जिसकी नींव रखी है ईशु बम्बा बंगालन ने और इसके चैनल का नाम है हार्ट टू कैच। प्यार को क्यों गाली देते हो जनाब, जब आपका महबूब ही मादर चोद निकला। नहीं नहीं वीडियो बंद मत करके जाना, इसका नेचर है वीडियो में गाली बकने का। और कितना अच्छा लगता है किसी हॉट एंड ब्यूटीफुल लड़की को गाली बकते हुए देखना ना। नॉट मी वंस, दोबारा भी कर लेना, मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए ही नहीं। गॉन मराओ। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी। और अभी तो आपको ये अपनी ट्रूथनेस का भी नमूना दिखाएगी। छोटे कपड़े पहने हैं, रंडी है। अरे इसके तो लड़के दोस्त है, रंडी है। अरे ये तो घर पे लेट आती है, रंडी। भैंजोत तुम्हारी सोच गंदी है, वो रंडी नहीं है। देख तेरी वीडियो को टॉपिक बहुत अच्छा था लेकिन समझाने का तरीका उतना ही चूतिया। मोटिवेशनल वीडियो में चूतिया बातों को ऐड करने से वो वीडियो आमिर सिद्दीकी बन जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और जहाँ ज्ञान चोदने की बात आती है वहाँ पे पूरी दुनिया अपनी गान मराती है। ज्ञान भी वही लोग फैलते हैं जो असलियत में उस चीज को फैलाते हैं। हमने देखा है आपका पुराना कॉन्टेंट मैडम। पता नहीं क्या अपनी जीभ से क्या जाती है बैड की लोड़ी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पता नहीं क्या अपनी जीप से ये रतौंधी का कीड़ा मार रही है। और मैडम आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, इस सिंबल और मादरचोद कहने से कोई बंदा कूल नहीं बनता। करो ना, ऊपर से ये कर्फ्यू। ओए गंदी सोच वाले, तेरी माँ की चूत। हट मादरचोद, माँ की गाली कैसे दिया, माँ की गाली कैसे दिया, चोद के बच्चे। और हाँ यूँ कहने की जरूरत नहीं है, गालियों से लड़कियों को जज करना हमारी चूतियापंती है। गाली देने की आदत है मेरी, बस आदत की वजह से तुम मेरा कैरेक्टर डिसाइड करो तो तुम मादरचोद। वाओ मादरचोद भी हम ही है। तुम मादरचोद। और नहीं तुम एक बात बताओ, तुम किसी बंदे को कैसे जज करते हो? एजुकेशन से? नहीं, एजुकेशन और मॉरल तो गई अपनी गांड मराने, बस उसको अच्छे से गाली पकना आना चाहिए। और उसकी गालियों को देखकर अगर तुम उसको जज करते हो तो तुम ही मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो प्लीज। इशू ऐसा ज्ञान ना पहले जिसे देखकर हमें भी ऐसा लगे कि हम ही चूतिया बैठे हैं इधर। नहीं मैं भी इंस्टाग्राम पर अपनी चूतड़ का फोटो लगाकर यूं बोलूं, चूतड़ दिखाना काम है मेरा। बस आदत की वजह से तुम मेरा कैरेक्टर डिसाइड करो तो तुम मादरचोद। ऐसी वीडियो देख कर ही तो मन करता है कि छाती पे ट्यूबलाइट बोल लूं बैंचो, लेकिन गांड पड़ती है बैंचो वकार जगह से, कहीं वो यूं ना बोल दे। बच्चों वाला लड़कियां करती हैं ऐसी चीजें, ट्यूबलाइट तोड़ता हूं, इससे क्या होगा? वीडियो से रिलेटेड कुछ अच्छे कमेंट्स। अरे मैडम आप तो पूरा गांड ही मार देते हो वीडियो में। बिना कुल्हाड़ी के लकड़ काटना इम्पॉसिबल है ब्रो। शादी तो मैं उसी से करूंगी जिससे मेरे कांड मिलते हो। क्या क्या कांड मिलते हो? गांड या कांड, ऐसे ही लिरिकिस्ट की जरूरत है। सोच रहा बहन चोद आपस में सोच मिलती है, ज्ञान मिलता है, लेकिन गांड कैसे मिल सकती है? मेरे कांड मिलते हो, कुंडली नहीं। तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी। मैं हूं ना यार, मैं भी तो हूं ना यहाँ पर, हम सब है बहन चोद। पर्सनली मैंने खुद फॉलो कर रखा है उसे यार, अच्छी लगती है मुझे वो। बिग फैन हो गया मैं आपका, कच्ची गिल्ली हो गई इस बंदे की तो। अब एक हेटर का कमेंट जिसकी गाली मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई बहन चोद। लोड़ी मेरा लोंगे। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मेरी जान तुम्हारी याद बिबल खा के थूकने की होगी लेकिन मेरी थूक के चाटने की नहीं है। मादर चोद के बच्चे, मादर चोद के बच्चे। तो काम ही क्यों करने विमल खाने वाले बंदे से? और मैं पक्का कह सकता हूँ इसका बंदा विमल खा के इसकी चुस्की चूस के यहाँ पे लाल कर देता होगा। विमल खा के थूकना भी कितनी अच्छी फीलिंग होता है। और विमल खाने वाले बंदों से इसको बहुत नफरत है। दिखाता हूँ एक और वीडियो। और मैंने खा था ना, पक्का पक्का खा था ना मैंने, कि इसका बॉयफ्रेंड विमल खा के इसकी चुस्की चूस के यहाँ पे लाल कर देता है।
गुटखा लग जाता है मुंह पे यार। मेरी जान, तुम्हारी आदत विमल खा के थूकने की होगी, लेकिन मेरी थूक के चाटने की नहीं है। मादरचोद के थूक के चाटने की नहीं है। मादरचोद के मैं आपको दिखाता हूँ विमल खाने वाला बंदा था कौन असल में। दिल का दरवाजा खोल दिया, तेरी मम्मी को भी बोल दिया, आंटी मैंने इसको लव स्टोरी में ली। लीड वाला रोल दिया, तेरे भाई की टेंशन नहीं है मुझे, उसे बोल दिया मैं चाहूँ तुझे, वो प्यार से माने ठीक है, नहीं मेरे बाउंसर्स देखेंगे उसे। हाँ हाँ ये है फूकनी का। इसके बाउंसर देखेंगे इसे। मेरे से भी खत्म शरीर है इसका साले, मेरे तो तब भी डोला आ जाता है। आज भी इस विमल खाने वाले बंदे के सदमे में जी रही है लड़की। आजकल का प्यार यही है जनाब, प्यार के लिए कपड़े उतारो तो बंदी कहलाती है, नहीं तो रणदी कहलाती है। मतलब लॉजिक की मच काट दिया चूतिया हमारा। देख दो चार साल पहले प्यार हमें भी था, जितना मैं जानता हूँ जिस बंदे को अपनी बंदी से प्यार होता है ना, उस प्यार में ना सेक्स देखा जाता है ना कपड़े उतारे जाते हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। पता नहीं इन्होंने कौन सा प्यार देखा, बट फाइनली शी लेफ्ट मी। पर मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि 4 या 5 साल में मुझे आप एक ऐसे यूट्यूबर बना दोगे कि जब उसके पास मेरी वीडियो जाए ना, तब वो मुझे देखे और समझे कि मैं हूँ कौन और मैं उसको कितना प्यार करता था। इंदौर इश्क वाला प्यार है मेरा भी। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुर। अभी भी टाइम है, संभल जाओ बहन, वरना एक टाइम आएगा तुम उससे मरती रहोगे और वो किसी और से मरवाता रहेगा। मादरचोद के बच्चे, मादरचोद के बच्चे, मादरचोद के बच्चे। चूतिया समझो क्या यार, ए, कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे रीमा। और मुझे नहीं पता भैया आपकी कौन सी कच्ची गेली हो गई ये वीडियो देखकर, लेकिन मुझे इतना भैया जोक लगा ना ये बहन चोद। यार एक वक्त था जब सब साथ में बैठा करते थे। हाँ यार सही बोल दिया, अब तो सबके घर में अपनी अपनी लैट्रिन बन गई। हकते ये दोनों तरफ से, मैडम खुद अच्छे से जानती है कि टॉयलेट में भी हकते हैं और बातों से अपने वीडियोस में भी हकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखो भैया पर्सनली आई फील ये लड़की बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो प्लीज इसको जाके फॉलो करो, इसके कंटेंट को हेट मत करो, रिस्पेक्ट भी मत करो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, ये फैक्ट डालने से कॉमेडी तो बन जाती है। और भैया वो लड़की है, आप मत गाली बको कमेंट के अंदर, वो जो आप मेरा लोंगी वाला गाली मत बका करो, अच्छे काम करो। भैया अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना।